हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट अवर टुडे वीडियो एंड द टॉपिक ऑफ अवर टुडे वीडियो इज इंट्रोडक्शन ऑफ लेजर, दैट इज लेजर। ठीक है, देखो क्या है लेजर। लेजर वर्ड की जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन, बीच में एक वर्ड आ जाता है बाय, एस से स्टिमुलेटेड, ई से एमिशन, ऑफ आर से रेडिएशन। ठीक है, तो लेजर की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए क्या, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। देखो क्या कहना चाह रहा है कि लाइट का एम्प्लीफिकेशन होगा, लेकिन किस प्रोसेस, एक प्रोसेस बता दी, कौन सी प्रोसेस के थ्रू होगा, स्टिमुलेटेड एमिशन के थ्रू होगा। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे हम आराम आगे। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा कुछ बेसिक पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये तो हमने फुल फॉर्म पढ़ी लेजर की, फुल फॉर्म क्या है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, सबसे पहले जो लेजर का जो आइडिया दिया था वो 1917 में आइंस्टाइन ने दिया। ठीक है, सबसे पहले लेजर का जो आइडिया दिया वो किसने दिया, 1917 में आइंस्टाइन ने प्रिडिक्ट दिया किया था। ठीक है, क्या कि इक्विलिब्रियम होता है बिटवीन मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उन्होंने कहा कि जैसे स्पॉन्टेनियस एमिशन है ना, हम स्टिमुलेट, हम एब्जॉर्प्शन पढ़ते हैं और स्पॉन्टेनियस एमिशन, तो कहा इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम बैलेंस करने के लिए एक प्रोसेस और होनी चाहिए, और वो कौन सी होनी चाहिए, स्टिमुलेटेड एमिशन होनी चाहिए। ठीक है, तो जो है आइंस्टाइन ने किसका कॉन्सेप्ट दिया, सबसे पहले प्रिडिक्शन लगाया स्टिमुलेटेड एमिशन का, और उसी प्रिडिक्शन के बेस पे क्या हुई, सबसे पहली लेजर डिस्कवर की, जो पहली लेजर जो डिस्कवर की वो की थी टी मईमैन ने। ठीक है, पहली अगर लेजर पूछे तो वो डिस्कवर किसने की, टी मईमैन ने, लेकिन लेजर का आइडिया किसने दिया, 1917 में आइंस्टाइन ने लेजर का आइडिया दिया था। ठीक है, क्यों, उन्होंने कहा कि तीन प्रोसेस, दो प्रोसेस पढ़ते हैं हम, एब्जॉर्प्शन और स्पॉन्टेनियस एमिशन, तो कहा इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने के लिए एक तीसरी प्रोसेस भी होनी चाहिए, वो क्या है, स्टिमुलेटेड एमिशन, और उसी के बेस पे इस पे उन्होंने टी मईमैन ने क्या की, एक लेजर डिस्कवर की, फर्स्ट लेजर। ठीक है, ठीक है, तो इससे पहले लेजर, ये जो है तीन प्रोसेस पढ़ने से पहले हम कुछ पढ़ लेते हैं टर्म्स हैं, वो है, पहले आता है एक पॉपुलेशन, एक वर्ड आता है आपका, आएगा लेजर में जब हम पढ़ेंगे कि पॉपुलेशन क्या होती है। ठीक है, देखो इतना तो हमें पता है कि जो एटम्स होते हैं उसमें क्या होती है, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होती है, है ना, कोई भी जो एटम होता है उसमें क्या होती है, उसमें क्या होती है, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होती है। ये क्या होती है, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होती है। अगर हम इधर एनर्जी की बात करें तो ये क्या है, इसके डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स है। ठीक है, इधर कुछ भी पॉपुलेशन, इधर मान लो पॉपुलेशन लिख देती हूँ, चलो मैं पॉपुलेशन तो पढ़ाना चाह रही हूँ। ठीक है, तो ये क्या होती है, डिस्क्रीट एनर्जीज होती है। इतना तो आपको पता है कि एटम के अंदर क्या होती है, डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट होती है। ठीक है, अब उन एनर्जी लेवल्स में है क्या, ठीक है, उन एनर्जी जो लेवल्स होती है उनके अंदर क्या होते हैं, सर्टेन नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। ठीक है, सर्टेन नंबर ऑफ क्या होते हैं, एटम होते हैं। ठीक है, तो मतलब ये फर्स्ट लेवल है, ये सेकंड लेवल है, ये थर्ड, ये फोर्थ, इस तरीके से। तो कहता है कि हर एनर्जी लेवल में क्या होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। ठीक है, तो जो पॉपुलेशन होती है किसको कहेंगे, पॉपुलेशन जो नंबर ऑफ एटम्स है ना पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम जो किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में, एनर्जी स्टेट में लाई कर रहे होंगे, वो क्या कहलाते हैं, उसकी पॉपुलेशन कहलाती है, उस पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट की। ठीक है, तो पॉपुलेशन का क्या मतलब है, द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। पॉपुलेशन क्या होती है आपकी, द नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, केवल एटम्स नहीं, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, किसमें, इन ए पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट, इन्हें पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट, पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट, वो उस स्टेट की क्या कहलाएगी, आपकी पॉपुलेशन कहलाएगी। ठीक है, मान लो अगर कोई किसी भी एनर्जी है, लेवल है, एनर्जी स्टेट है, उसकी पॉपुलेशन एन है। ठीक है, उसकी पॉपुलेशन कितनी है, एन, तो जो एनर्जी, उसकी जो पॉपुलेशन है एन, और एनर्जी क्या है, ई। ठीक है, तो जो पॉपुलेशन है वो कैसे डिफाइन होती है, एन जो पॉपुलेशन है वो टेम्परेचर के और एनर्जी पे कैसे डिपेंड करती है, एन इज इक्वल टू आपकी दी जाती है ई रेज टू द पावर माइनस ई अपॉन के टी।
ठीक है, ये क्या है, किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल जिसकी एनर्जी ई है, टेम्परेचर टी है, तो उसकी पॉपुलेशन ऐसे डिफाइन होगी, एन इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस ई अपॉन के टी, ठीक है, वेयर जहां पे ई क्या है, ई जो है आपकी एनर्जी है, ठीक है, ऑफ द लेवल, टी क्या है आपका टेम्परेचर है, ठीक है, के क्या है, के आपका बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट है, ठीक है, के क्या है आपका बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट, ठीक है, ये क्या है आपकी, या इसको ये मतलब जनरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो, तो अगर हम लिखते हैं तो ऐसे भी लिख देते हैं एन इज इक्वल टू एन नोट ई की पावर माइनस ई अपॉन के टी, ठीक है, कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है ना, तो मेन जनरल यही होता है एन इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई रेज टू द पावर माइनस ई अपॉन के टी, या एन इज इक्वल टू कई बार कॉन्स्टेंट यूज कर लेते हैं, नहीं करते, ये होता है आपका, ठीक है, पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन क्या होती है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, कि एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में कितने नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम में लाई कर रहे हैं वो उसकी क्या कहलाएगी, पॉपुलेशन, ठीक है, कई बार हम क्या क्या देते हैं, पॉपुलेशन क्या होते, तो आप डायरेक्ट बोल देते हो नंबर ऑफ एटम्स इन पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट, नहीं, नंबर ऑफ एटम्स नहीं, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में कितने एटम लाई कर रहे हैं वो क्या कहलाती है, उस पर्टिकुलर लेवल की पॉपुलेशन कहलाती है, ठीक है, आगे बात, अब आते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, है ना, क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम के बाद ही तो कॉन्सेप्ट दिया था किसका, स्टिमुलेटेड एमिशन का, अब बात आती है क्या, थर्मल इक्विलिब्रियम, अगर थर्मल इक्विलिब्रियम समझ में आ गया तो हम समझ जाएंगे कि स्टिमुलेटेड एमिशन की जरूरत ही क्यों पड़ी, ठीक है, कि हम तो बस दो ही पढ़ रहे थे, स्पॉन्टेनियस एमिशन और एब्जॉर्प्शन, तो फिर स्टिमुलेटेड एमिशन की जरूरत क्यों पड़ी, अगर आपको थर्मल इक्विलिब्रियम समझ में आ गया तो वो भी आ जाएगा। देखो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम में जो आपकी, देखो इक्विलिब्रियम है ना, तो जो नंबर ऑफ एटम्स या पॉपुलेशन बोल सकते हो, एटम्स की बात नहीं करेंगे, पॉपुलेशन, ठीक है, हर एनर्जी लेवल पे जैसे जैसे एनर्जी लेवल्स बढ़ती जाती है ना, तो आपका जो है पॉपुलेशन डिक्रीज होती जाती है। थर्मल इक्विलिब्रियम पे अगर मैं कहूं, ये कोई एनर्जी लेवल डायग्राम था, थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा पॉपुलेशन कम होती जाएगी, ठीक है, तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पे होगी, ग्राउंड स्टेट में, अगर कोई भी जो है सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो उसके ज्यादातर एटम्स कहां लाई करेंगे, ग्राउंड स्टेट में, ठीक है, मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम पे क्या होते हैं, जैसे जैसे एनर्जी लेवल्स बढ़ती जाएंगी आपकी पॉपुलेशन क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, कब, जब सिस्टम किसमें हो, थर्मल इक्विलिब्रियम में, ठीक है, जैसे मान लो हमने कोई पर्टिकुलर दो एनर्जी लेवल ली, एक एनर्जी लेवल E1 लिया, एक एनर्जी लेवल E2 लिया, ठीक है, इसकी पॉपुलेशन N1 है, इसकी पॉपुलेशन N2 है, इसको बोल्ट्जमैन रिलेशन भी बोल देते हैं, ठीक है, तो बोल्ट्जमैन इक्वेशन क्या कहती है, N1 क्या होगा, N1 इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस E1 अपॉन केटी, ठीक है, कॉन्स्टेंट बराबर है मान लेते हैं, N2 क्या होगा, ई रेज टू द पावर माइनस E2 अपॉन केटी, यही होगा, इसकी पॉपुलेशन N1, इसकी पॉपुलेशन N2, इसके अकॉर्डिंग है ना, N इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस ई अपॉन केटी, N1 और E2 हो गया। अगर हम रेशियो ऑफ पॉपुलेशन निकालें, तो रेशियो ऑफ पॉपुलेशन N2 बाई N1, तो N2 क्या था, ई रेज टू द पावर माइनस E2 अपॉन केटी अपॉन ई रेज टू द पावर माइनस E1 अपॉन केटी, यही था, तो यहां से N2 अपॉन N1 क्या हो जाएगा, ई रेज टू दी पावर, ये ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, E2 माइनस E1 अपॉन केटी, फॉर्म चेंज नहीं करनी, माइनस बाहर ही रखना है, ठीक है, तो यही होगा, देखो ये माइनस और ये अंदर जाके प्लस हो गया, आगे यहां तक, तो यहां से अगर हम देखें तो N2 इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, N1 ई रेज टू पावर E2 माइनस E1 क्या है, फाइनल एनर्जी माइनस इनर, दैट इज चेंज इन एनर्जी डेल्टा ई, तो क्या हो गया, माइनस डेल्टा ई अपॉन के टी, यही रिलेशन आया ना, N2 इज इक्वल टू N1 ई रेज टू द पावर माइनस डेल्टा ई अपॉन आपका क्या आया, के टी आया, यही आया, ठीक है, तो बोल्ट्जमैन जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या कह रहा है, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ने कहा कि जैसे जैसे क्या होगा, इधर मान लो आपकी एनर्जी है और इधर क्या है, पॉपुलेशन है, ठीक है, तो एनर्जी लेवल ये पॉपुलेशन को दिखा रहा है, तो पॉपुलेशन सबसे ज्यादा, जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी पॉपुलेशन आपकी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, देखो एनर्जी सबसे कम थी, पॉपुलेशन सबसे ज्यादा, एनर्जी बढ़ी पॉपुलेशन कम हुई, पॉपुलेशन कम पॉपुलेशन यहां पे और भी कम, तो जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी आपकी पॉपुलेशन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, कब, एट थर्मल इक्विलिब्रियम, किस पे, एट थर्मल इक्विलिब्रियम पे, ठीक है, आगे बात समझ में,
अब देखो यहां से हमने क्या देखा कि जो हमारी रिएक्शन है, या हम देखें हमारा जो N2 अपॉन N1 का जो फैक्टर है, यही है ना, ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है? एक तो एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है, डिफरेंस किस पे? एनर्जी डिफरेंस पे। पहला तो किस पे डिपेंड कर रहा है हमारा? एनर्जी डिफरेंस पे, जो रेशियो है। और दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है आपका? टेम्परेचर पे। N1 का रेशियो है यही, N2 अपॉन N1, ठीक है। तो देखो क्या कहता है कि थर्मल इक्विलिब्रियम पे आपका जो है हमेशा N1 क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा, और N2 क्या रहेगी? कम। मतलब जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी, क्या कहता है थर्मल इक्विलिब्रियम पे, कि पॉपुलेशन क्या होती जाएगी? उतनी ही कम होती जाएगी। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी कहता है? N1 की होती है, N1 ज्यादा रहेगा हमेशा। अब देखो अगर हम बात करें कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा और एनर्जी का, तो देखो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं, मान लो ठीक है, तो टेम्परेचर को बढ़ाते जाएं तो हमने क्या देखा? सबसे पहले तो ये लिखो कि जब आपका टेम्परेचर क्या होता है, ये देखो हमने, हमारे पास ये रिलेशन आया N2 इज इक्वल टू N1 e रेज टू द पावर माइनस डेल्टा e अपॉन kT, है ना। ये क्या कहता है कि थर्मल इक्विलिब्रियम पे हमेशा N2 क्या रहेगा आपका? कम रहेगा N1 से, ठीक है, मतलब हमेशा N1 ज्यादा रहेगा, है ना। अब देखो जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते गए, मान लो टेम्परेचर को हमने इन्फिनिटी को अप्रोच करवाया, देखो तो क्या हो जाएगा? N2 अपॉन N1 क्या हो जाएगा? e रेज टू द पावर माइनस डेल्टा e अपॉन इन्फिनिटी, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी, जीरो, e रेज टू द पावर माइनस जीरो मतलब 1, तो N2 किसके बराबर हो गया? N1 के। मतलब N2 और N1 कब बराबर हुए? ये तो बहुत लिमिटिंग केस हो गया, जब टेम्परेचर किसको अप्रोच करवाया? इन्फिनिटी को। टेम्परेचर इन्फिनिटी को तो हो ही नहीं सकता, है ना, ये तो एक लिमिटिंग केस है। मतलब जब तब भी क्या हुए? सिर्फ बराबर हुए, N2 कभी भी ज्यादा नहीं हुआ। तो इसका मतलब कि थर्मल इक्विलिब्रियम पे तो हमेशा ही हमेशा पॉपुलेशन क्या रहेगी? आपकी ग्राउंड स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा रहेगी। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी पॉपुलेशन क्या होती जाएगी? कम। और क्या देखा? टेम्परेचर को बढ़ाया, कब? टेम्परेचर के साथ पॉपुलेशन इफेक्ट हो रही थी, तो टेम्परेचर जब इन्फिनिटी को अप्रोच हुआ ना, तब दोनों की पॉपुलेशन बराबर हुई, और टेम्परेचर इन्फिनिटी को अटेन नहीं कर सकते। अगर हम एनर्जी की बात करें, एनर्जी डिफरेंस पे भी डिपेंड कर रहा है डेल्टा ई, है ना, तो अगर हम डेल्टा ई को क्या करते हैं? जीरो अप्रोच करवा दो, मतलब एनर्जी डिफरेंस कितना कम होता जाएगा, है ना, जितना कम, तो एनर्जी डिफरेंस डेल्टा ई अगर हम जीरो को अप्रोच करवाएं, तो N2 अपॉन N1 तब भी क्या आएगा? e की पावर जीरो, तब भी क्या होगा? सिर्फ बराबर ही होगा, N2 अपॉन N1 बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक मटेरियल थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो जो पॉपुलेशन होगी हायर स्टेट की, वो कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती किससे? लोअर स्टेट से, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि जब भी आपका सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, तो आपकी जो पॉपुलेशन है वो कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती किसकी? एक्साइटेड स्टेट की। हमेशा क्या होगी आपकी पॉपुलेशन हायर स्टेट की, वो कम रहेगी किससे? लोअर स्टेट से, ठीक है। तो ये क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो मेन काम जो था मेरा, वो क्या था? यहां से आपको एक तो पॉपुलेशन बताना, पॉपुलेशन क्या होती है, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, पॉपुलेशन का रिलेशन एनर्जी और टेम्परेचर के साथ, ये आपको पता होना चाहिए, इसको बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल देते हैं। उसके बाद थर्मल इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, ठीक है, कि थर्मल इक्विलिब्रियम में आपका क्या है, हमेशा जो आपकी हायर स्टेट है, एनर्जी लेवल है, उसकी पॉपुलेशन हमेशा कम रहेगी आपकी लोअर स्टेट से, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, ठीक है। उसके बाद जो आपकी आती है नेक्स्ट जो चीज है, वो है कि आइंस्टाइन का प्रिडिक्शन, है ना। देखो हमने कहा इससे पहले हमें ये पता था, आइंस्टाइन ने कैसे प्रिडिक्ट किया? देखो भाई हमें क्या था, हमने पता है कि क्या होते हैं आपके, ऐसा होता है, हम ये कहते हैं ना कि आपकी दो स्टेट है, ठीक है, हम ये कहते हैं कि ये आपकी जो है कोई भी आपकी एनर्जी लेवल्स हैं इधर, और इधर क्या है आपकी पॉपुलेशन, मान लो, ठीक है। ये मान लो किसी इसकी एनर्जी लेवल E1 है, इसकी एनर्जी लेवल E2 है। स्टार्टिंग में आपके एटम्स, इनिशियली हमने अभी भी कहा थर्मल इक्विलिब्रियम में हमेशा क्या होते हैं आपके एटम्स, ग्राउंड स्टेट में या लोअर एनर्जी स्टेट में ज्यादा होंगे और हायर एनर्जी स्टेट में कम होंगे, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, एटम्स को कुछ एनर्जी देंगे, तो एटम्स एक्साइट होके कहां जाएंगे? हायर एक्साइटेड स्टेट में। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, है ना, यही कहते हैं, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि जो एक्साइटेड स्टेट है उसका लाइफ टाइम कुछ कम है, ये स्टेट्स को, इन तीनों प्रोसेस को हम बाद में पढ़ेंगे, अब तो जस्ट मैं प्रिडिक्शन कर रही हूं उन्होंने कैसे आइडिया लगाया था, ठीक है। अब देखो हम ये कहते हैं एब्जॉर्ब हुए, तो एटम्स ग्राउंड स्टेट से कहां जाएंगे? एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट का कुछ ना कुछ क्या होता है? लाइफ टाइम। देखो ये फास्ट प्रोसेस हो रही है, एटम्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं,
ठीक है, बाहर से करवा रहे हैं, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि वो एक्साइट हो गए, हाइयर स्टेट में चले गए। अब हाइयर एक्साइटेड जो स्टेट है उसकी लाइफ टाइम होती है कुछ ना कुछ फिक्स, है ना, अगर लाइफ टाइम है उस लाइफ टाइम के बाद वो क्या होंगे, एटम्स अपने आप डिके होते हैं और उस डिके को हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस। लेकिन वो एक क्या है आपकी, मतलब कुछ टाइम तक तो रुकेंगे ना वहां पे, लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉन्टिन्यूसली हुआ जा रहा है ना भाई, हमने क्या कहा, एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, है ना, एब्जॉर्प्शन हुआ हो रहा है कॉन्टिन्यूसली, एटम्स कहाँ जा रहे हैं, एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड का कुछ लाइफ टाइम है, मतलब कुछ समय के लिए तो एटम्स यहां रुक रहे हैं, उसके बाद डिके हो रहे हैं स्पॉन्टेनियसली, है ना। तो इसका मतलब जो डिके की प्रोसेस है या नीचे आने की जो प्रोसेस है वो तो धीमी है और जाने की प्रोसेस क्या है, तेज है, मतलब एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है एटम्स का हायर एक्साइटेड स्टेट में, और हायर से लोअर में क्या हो रहा है, एमिशन कम हो रहा है, मतलब एटम्स ज्यादा जल्दी से कहां जा रहे हैं, एक्साइटेड स्टेट में, वहां पे रुक रहे हैं कुछ टाइम के बाद और फिर नीचे आ रहे हैं। तो इसका मतलब कोई एक ऐसी स्टेज आएगी भाई, वहां पे ज्यादा देर रुक रहे हैं और नीचे कम, मतलब जाने की स्पीड तेज है और आने की स्पीड धीरे है, कुछ समय बाद रुक रहे हैं। तो इसका मतलब एक स्टेज ऐसी आएगी जब क्या होगा, आपके एटम्स एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा हो जाएंगे और ग्राउंड में कम हो जाएंगे। तो इसका मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम तो ये कहता है कि आपके जो एटम्स हैं किसमें, लोअर लेवल में, वो हमेशा ज्यादा होते हैं किससे, हायर लेवल से। तो इसका मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए या मेंटेन करने के लिए क्या होने चाहिए, एटम्स जिस स्पीड से जा रहे हैं उसी स्पीड से या उससे ज्यादा स्पीड से क्या होने चाहिए, आपके वापस आने चाहिए, है ना। तभी तो क्या होंगी, लोअर में एटम्स ज्यादा रहेंगे और हायर में कम रहेंगे। तो इसीलिए उन्होंने किसका आइडिया दिया, आइंस्टाइन ने कहा एक ऐसी प्रोसेस दी जिसके थ्रू एटम्स क्या हो रहे हैं, एमिट हो रहे हैं, और उसको क्या नाम दिया गया, स्टिमुलेटेड एमिशन। तो यहां से आइंस्टाइन ने किसका आइडिया दिया था, स्टिमुलेटेड एमिशन का। ठीक है, एक बार फिर से बताती हूँ कि एटम्स कहाँ भाई, स्टार्टिंग में कहाँ क्या है, ग्राउंड स्टेट पे या लोअर एनर्जी स्टेट में ज्यादा है, हायर में कम है। ठीक है, फिर हम मान लो क्या करवा रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, एब्जॉर्प्शन करवा रहे हैं, तो एब्जॉर्प्शन रेट तेज है। ठीक है, एटम्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हायर स्टेट में। अब हायर स्टेट की कुछ लाइफ टाइम है, या एक्साइटेड स्टेट बोल देते हैं हम जिसको, उसकी क्या होती है, कुछ ना कुछ लाइफ टाइम है, मतलब एटम्स वहां कुछ देर के लिए रुकेंगे, उसके बाद स्पॉन्टेनियसली डिके होंगे। ठीक है, इसका मतलब एटम्स जा तो तेजी से रहे हैं, वहां रुक रहे हैं, फिर डिके हो रहे हैं, कुछ टाइम के लिए रुक रहे हैं, मतलब वहां रुक रहे हैं, ठीक है, और डिके धीरे हो रहे हैं। तो इसका मतलब एक ऐसी स्टेज आएगी, एटम्स जाए जा रहे हैं, आ कम स्पीड से रहे हैं, है ना, तो वहां पे एक्साइटेड स्टेट में एटम्स की पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी और इसमें लोअर स्टेट में पॉपुलेशन कम हो जाएगी, तो थर्मल इक्विलिब्रियम तो अटेन नहीं होगा। तो आइंस्टाइन ने कहा कि थर्मल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए एक और जो है सेकंड एमिशन प्रोसेस भी होनी चाहिए, और उन्होंने उस एमिशन प्रोसेस को क्या नाम दे दिया, स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस। ठीक है, तो यहां से क्या आया था आपका, लेजर का आइडिया आया था। ठीक है, तो ये तो क्या था, बेसिक था लेजर का। इसके बाद आगे करेंगे हम तीनों प्रोसेस, कौन कौन सी जो तीन प्रोसेस होती हैं आपकी वो। ठीक है।